स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडिया टीवी क्रिकेट में और आपके साथ मैं हूं आदर्श दीक्षित। आईपीएल सीजन 17 में कल रात मुकाबला खेला गया मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। इस मैच में शानदार जीत दर्ज की कोलकाता नाइट राइडर्स ने और इस सीजन में पहली टीम बन गई मुंबई इंडियंस जो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। अब इस सीजन में खिताब जीतने का सपना हार्दिक पांड्या की अगुवाई में मुंबई इंडियंस का टूट गया और पहली टीम ऐसी हार्दिक पांड्या की ये मुंबई इंडियंस बनी है इस सीजन में जिसके नाम के आगे अब ई यानी एलिमिनेटेड लिखने ही वाला है। चलिए आपको मैच का पूरा हाल बताते हैं कि केकेआर ने किस तरीके से मुंबई इंडियंस पर जोरदार पलटवार किया और 24 रनों से टीम को शिकस्त दी। टॉस जीता हार्दिक पांड्या ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता नाइट राइडर्स को वानखेड़े स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता और मुंबई के बीच वानखेड़े स्टेडियम में अगर आंकड़ों को देखा जाए तो 12 साल पहले केकेआर ने आखिरी बार मुंबई इंडियंस को इस मैदान पर शिकस्त दी थी। लेकिन केकेआर के जब बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज सुनील नारायण और फिल शॉर्ट मैदान पर उतरे तो खराब शुरुआत मिली केकेआर को और दोनों जल्दी ही आउट होकर के पवेलियन लौट गए। अगर हम देखें फिल शॉर्ट ने 5 रन बनाए वहीं सुनील नारायण 8 रन बना करके आउट हो गए। अंकृश रघुवंशी 13 रन बना करके चलते बने। श्रेयस अय्यर कप्तान 4 गेंदों पर 6 रन बना करके आउट हो गए। केकेआर को शुरुआती झटके लगे और उन झटकों से उबारने का काम किया वेंकटेश अय्यर ने। वेंकटेश अय्यर ने 70 रनों की शानदार पारी खेली, 52 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 6 चौके और 3 छक्के उन्होंने अपनी पारी में लगाए। इसके अलावा रिंकू सिंह फ्लॉप रहे, 8 गेंदों पर 9 रन बना करके आउट हो गए। और मनीष पांडे जो इस सीजन में केकेआर के लिए पहला मैच खेल रहे थे उन्होंने 31 गेंदों का सामना किया और 42 रनों की एक सदी हुई पारी खेली जिसकी बदौलत एक सम्मानजनक टोटल तक केकेआर की टीम पहुंच सकी। मनीष पांडे ने 2 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए तो 19.5 ओवर में ही केकेआर की टीम ऑल आउट हो गई और 169 रन बनाए थे। इस तरह से केकेआर ने टारगेट दिया मुंबई इंडियंस को 170 रनों का। वानखेड़े स्टेडियम में लग रहा था 170 रनों का टारगेट तो आसान टोटल होता है जिसे मुंबई इंडियंस की टीम चेज कर सकती थी, वो भी कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने जिस केकेआर पर हमेशा मुंबई का दबदबा रहता है। लेकिन रोहित शर्मा और ईशान किशन फ्लॉप रहे। रोहित शर्मा का जो फ्लॉप दौर पिछले 4-5 मैचों से चल रहा है वो यहाँ पर भी जारी रहा और रोहित शर्मा 12 गेंदों पर 11 रन बना करके आउट हो गया। और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस और मौजूदा प्रदर्शन निश्चित रूप से भारतीय फैंस को ज़रूर टेंशन बढ़ा रहा है, टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा रहा है क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा अगर 170 रनों का टारगेट चेस करते वक्त इस तरीके से हथियार डाल देंगे तो ये T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं ईशान किशन 7 गेंदों पर 13 रन बना करके आउट हो गए। नमन धीर 11 गेंदों पर 11 रन उन्होंने बनाए लेकिन लग रहा था कि टारगेट चेस करने के लिए मुंबई इंडियंस के पास बल्लेबाजों के एक लंबी चौड़ी फौज है। हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव सभी थे लेकिन शुरुआती झटकों से उबर नहीं पाई हार्दिक पांड्या की टीम। सूर्य कुमार यादव ने जरूर 35 गेंदों पर 56 रन बनाए लेकिन स्काई का साथ कोई नहीं निभा सका। तिलक वर्मा 6 गेंदों पर 4 रन बना करके आउट हो गए, 11 गेंदों पर 6 रन बनाए निहाल वडेरा ने। हार्दिक पांड्या का फ्लॉप शो यहां भी जारी रहा और बल्लेबाजी में जो वो नाकाम हो रहे हैं उनका नाकाम दौर यहां पर भी दिखा। केकेआर के खिलाफ भी 3 गेंदों का सामना किया हार्दिक पांड्या ने और 1 रन बना करके वो आउट हो गए। वहीं टिम डेविड 20 गेंदों पर 24 रन उन्होंने बनाए, 7 गेंदों पर 8 रन जेराल्ड कोहजे ने बनाए और इस तरीके से 1 गेंद पर 0 रन बना करके चावला आउट हो गए और तू चल मैं आता हूँ वाली स्थिति लास्ट में हो गई। और हाल ये हुआ कि 18.5 ओवर में ही 145 रनों पर मुंबई इंडियंस की पूरी टीम सिमट गई और 12 साल बाद वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत दर्ज की। 24 रनों से केकेआर ने ये मैच अपने नाम किया और इस जीत के साथ हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई, वहीं केकेआर प्लेऑफ में लगभग अब पहुंच चुकी है और राजस्थान रॉयल्स के बाद मुझे लगता है कि केकेआर दूसरी टीम बनेगी जो प्लेऑफ में पहुंचेगी, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो कोलकाता की ओर से मिचेल स्टार्क जो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं केकेआर के उन्होंने अच्छा खेल दिखाया और गेंदबाजी में पहली बार वो रिदम में नजर आए। अपने जिस रॉब के लिए मिचेल स्टार्क जाने जाते थे वो रॉब उन्होंने दिखाया। 4 ओवर में 3.5 ओवर उन्होंने किए, 35 रन खर्च किए और 4 अहम सफलताएं उन्होंने हासिल की। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती बहुत किफ़ायती रहे, कसी हुई गेंदबाजी उन्होंने की, 4 ओवर में 22 रन खर्च किए और 2 अहम विकेट्स भी उन्होंने चटकाए। सुनील नारायण ने 4 ओवर में 22 रन खर्चे, 2 सफलताएं उन्हें भी मिली और आंद्रे रसेल उन्होंने भी 4 ओवर किए और 30 रन खर्च किए,
दो विकेट आंद्रे रसेल को भी मिले। इस जीत के साथ ही केकेआर प्लेऑफ की रेस में आगे निकल गए हैं और केकेआर के खिलाड़ी अब प्लेऑफ के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, या यूं कहें प्लेऑफ के लिए केकेआर ने क्वालिफाई कर लिया है। वहीं मुंबई इंडियंस का बोरिया बिस्तर अब इस सीजन में बंद गया है। 11 मैचों में सिर्फ 3 मैच जीते हैं हार्दिक पांड्या की टीम ने, बाकी सभी मैच हारे हैं और 3 मैच बचे हैं। बचे हुए 3 मैच अगर हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस जीत भी जाती है तो भी प्लेऑफ की रेस में वो आगे नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अब तमाम ऐसी टीमें हैं जो प्लेऑफ की दौड़ में हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस से बहुत आगे हैं। तो हार्दिक पांड्या जो कप्तान बने थे इस सीजन में मुंबई इंडियंस के, और कप्तान बदलने के बावजूद पिछले 2-3 सीजन से जो हार का क्रम चल रहा है मुंबई इंडियंस का, वो कप्तान बदलने के बावजूद वो क्रम टूट नहीं पाया और इस सीजन में भी बिना ट्रॉफी के ही अब मुंबई इंडियंस को वापस जाना पड़ेगा। तो मैच रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप इंडिया टीवी क्रिकेट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया टीवी क्रिकेट।